सबसे पहले मैं गुरु जी को मैं नमन करता हूँ बहुत दिन से मैं वेट कर रहा था मेरे गुरु जी मेरे ऑफिस में आए और इस ऑफिस में आके मुझे आशीर्वाद दे मैं बोलता हूँ एक ऐसे शख्स एक ऐसे इंसान आपको ऐसा नहीं लगेगा जो भाई ये एक कोई एमपी है ऐसा लगेगा एक साधारण इंसान है ऐसा लगेगा आपका दोस्त है आपका भाई है आपका गुरु है ऐसा नहीं लगेगा जो भाई एक एमपी है वो रुतबा जो होता है एमपी का वो वो रुतबा नहीं है तो उसी मोहब्बत से इनको जिताए लातूर के लोग लातूर के रह आ रह, रहे बसी रह और वहाँ से वो एमपी चुने कुछ कारण से वो एमपी अभी नहीं है एक्स एमपी है लेकिन मेरे लिए एमपी के बराबर है क्योंकि मेरे गुरु हैं और बहुत बड़ी बात है डॉक्टर सुनील गायकवाड़ साहब जो है एक ऐसे समाज से सेवोग हैं लातूर के हर गली में हर मोहल्ले में जा जाके जा जाके इंसान को पूछ पूछ के और हर त्यौहार में उनको जाके मिलना उनसे बातें करना इसके बाद ऐसा लोग हारने के बाद भी लोग वहाँ पर जाना छोड़ देता है लेकिन ये शख्स ऐसा नहीं है यहाँ अपनी एरिया में हर त्यौहार में जाके पूछना लोगों से लोगों से बातें करना इनको अच्छा लगता है और जब मैंने इनसे मुलाकात हुआ तो मुझे ऐसा लगा जो मुझे एक बड़ा भाई मेरे गुरु मिल गया है तो आज से मेरा गुरु है उसी दिन दी, दिन से मेरे बड़ा भाई मेरे गुरु इनको मान लिया है मेरे हर एक प्रोग्राम में ये आते हैं हर एक प्रोग्राम में आके मेरे प्रोग्राम का सुबह बढ़ाते हैं हर एक प्रोग्राम में आके मुझे आशीर्वाद देते हैं और इस गरीब को एक ही चीज़ आशीर्वाद तो उस आशीर्वाद से मुझे बहुत अच्छा लगता है और आज जिस तरीके से आए ऑफिस में तो मुझे तो भाई बहुत ऐसा लग रहा है मेरा दिल पूरा गार्डन गार्डन हो गया और मेरे साथ में सब बैठे हैं मेरे प्रोड्यूसर साहब हमारे सजाद भाई बैठ आ बैठे हैं है। हमारे रईस खान साहब जो एक अच्छे डायरेक्टर है एक अच्छे इंसान हैं एक अच्छे समाज सेवक है मेरे साथ ताहिल कमाल खान जो हर वक्त मेरे साथ रहते हैं मेरी कंधे पे कांधे डाल कर हाथ डाल के वो मेरे हर एक काम को आगे लेके जाता है हमारे नदीम भाई साहब है जो बहुत अच्छे एक्टर है तमिलनाडु में तमिल तमिल तेलुगू मूवी में बहुत सारे काम किया है और तमाम लोग यहाँ पर हैं और साथ में मेरी जैन जो है वो आज नहीं आ पाए क्योंकि आ, कुछ कारण था वो मेरे जो दोस्त है वेरू जैन जो इस एन का वो प्रेसिडेंट है राष्ट्रीय प्रेसिडेंट है तो दोस्तों मैं खाली इतनी बोल दूँ मैं मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसे गुरु मिला है नाम है डॉक्टर सुनील गायकवाड़ साहब दादा साहब फल के आइकॉन अवार्ड्स फिल्म्स ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक मेरे मित्र डॉक्टर कल्याण जी जाना ये गरीबों के एक्टर है गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो गरीबों का एक्टर तो खाली जाना जाना ही दिखते हैं मैं आते ही उनको पहली बात ये पूछा कि ये अपना है ऑफिस उन्होंने कहा बिल्कुल अपना है बहुत ही अच्छा काम करते हैं अभी हम थोड़ी बात कर रहे थे ए, फिल्म लाइन के बारे में फ़िल्मों में जो आने वाले नए कलाकार होते हैं अभी तो वेब सीरीज़ का ज़माना चल रहा है कोरोना की वजह से तो स्क्रीन वाले फिल्म तो अभी फ़िलहाल ज़्यादा नहीं चल रहे लेकिन जो वेब सीरीज़ चल रहे हैं उसमें जो कलाकार होते हैं प्रोड्यूसर होते हैं एक्टर होते हैं इनमें उनको बदलाव लाना है तो कल्याण जी एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र है बहुत अच्छे संगठक है बहुत अच्छे कलाकार है बहुत अच्छे एक्टर है और उनका जो सपना है पार्लियामेंट में जाना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना तो मुझे लगता है कि उनकी इतनी सारी एक्टिविटीज़ देख के हौसला इतना बुलंद है कि 2024 में वो मेरे साथ पार्लियामेंट में ज़रूर रहेंगे क्योंकि उनको पार्लियामेंट में जाना बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि इंडस्ट्री के लिए जो कानून बनाना है जो बदलाव लाना है उसके लिए तो हाउस में होना बहुत ज़रूरी है आ, बहुत सारे कलाकार लोग भी वहाँ पे मेरे साथ राज बब्बर थे हेमा हेमा मालिनी थी जया बच्चन थी हम तीनों एक कमेटी में काम करते थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टैंडिंग कमेटी में आ, मेरे साथ राज बब्बर भी थे आ, जया बच्चन भी थी सचिन तेंदुलकर थे आ, हेमा मालिनी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो स्टैंडिंग कमेटी अभी के आईटी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर हमारे चेयरमैन थे तो सच में आ, कुछ अगर करना है आ, समाज के लिए आ, इंडस्ट्री के लिए सोसाइटी के लिए देश के लिए तो कल्याण जी जाना जैसे एक्टिव वहाँ पार्लियामेंट में होना बहुत जरूरी है और आ, मुझे लगता है पार्टी कौन सी भी रहने दो लेकिन आदमी प्रॉपर जाना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कल्याण जी को तो हर पार्टी का ऑफर होगा आ, लेकिन वो वेस्ट बंगाल से आते हैं तो जीतने वाली पार्टी आ, हमारी भी पार्टी वहाँ भी जीतने जीतने वाली पार्टी है हम भी उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी से भी आप लोकसभा जा सकते हैं वैसा पार्टी आप तय कीजिए लेकिन चौबीस को आपको पार्लियामेंट में आना है ये तो बात आ, फिक्स है रहा आ, सवाल ये कि दादा साहब फालके जो इन फिल्म इंडस्ट्री के फादर कहे जाते हैं उनके नाम से आ, आपने ये संगठन चलाया है चालू आ, किया है और मैं आपका इसलिए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में उनका स्टैचू बिल्कुल नहीं था जो कि मुंबई माया नगरी है यहाँ तो बॉलीवुड के फ़िल्म बनते हैं यहाँ बॉलीवुड में आकर बहुत बड़े बड़े आ, कलाकार लोग ब, बहुत बड़े बन गए मैं नाम लेना नहीं चाहता लेकिन किसी को नहीं लगा कि दादा साहब फालके का यहाँ एक स्टैचू होना चाहिए कल्याण जी यहाँ पे पंद्रह फीट का पंद्रह फीट का बहुत बड़ा दादा साहब फल्के का स्टैचू आ, का काम उन्होंने शुरू किया है ये तो बहुत बड़ा काम है ये तो इतिहास है इतिहास में कल्याण जी का नाम तो स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा क्योंकि गरीबों के एक्टर भी अगर उनको कहते होंगे लेकिन आ, जो इंडस्ट्री के आ, दादा साहब फालके ने जो इंडस्ट्री शुरू की उनको भूल गया था यहाँ का इन कलाकार लोगों ने बहुत बड़े बड़े कलाकार है लेकिन कल्याण जी के दिमाग में ये बात आई मैं सच में उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ कि आप दादा साहब फालके का यहाँ बहुत बड़ा स्टैचू का निर्माण कर रहे हैं उसमें मैं मैं भी हमारी तरफ से कुछ आपको ज़रूर मदद करूँगा इस काम में और हम भी आपसे जुड़े हैं पिछले बहुत सालों से आपका एक्टिवनेस देख के आप इतने एक्टिव है कि अगर एक्टिव शब्द का किसी को मीनिंग बताना है तो कल जी जाना बोलना पड़ेगा इतना आप काम करते हैं पूरा इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकार लोगों को आपने सम्मानित किया है आपका ये सिलसिला हमेशा जारी रहे और इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि कल्याण जी जाना आप इंडस्ट्री में एक ज़रूर पॉजिटिव बदलाव आप लाएंगे यहाँ अच्छे कलाकार का आप निर्माण करेंगे जो इंडस्ट्री के बारे में नए कलाकारों के लिए समाज में जो बात मतलब एक जानकारी है उसको आप बदल के आप अपना एक नया आयाम इस इंडस्ट्री को ज़रूर देंगे यही मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपने आपके इस स्टूडियो में मेरा स्वागत किया मेरा सत्कार किया इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आने वाला जो अवार्ड फंक्शन दिल्ली में हो रहा है दुबई में हो रहा है उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं और आपने जो टूरिज्म पे जो काम किया है सच में किसी किसी ने नहीं किया है ऐसा हिंदुस्तान का टूरिज़्म आप लोगों के सामने रखने का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं टूरिज़्म के केंद्र सरकार के जो मंत्री है उनको भी मैं आपके बारे में ज़रूर कहूँगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी आपके बारे में मैं लिखूँगा आपके काम के बारे में लिखूँगा और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कल्याण जी जाना के दिमाग में जो आएगा उसको सरकार ने इम्प्लीमेंट करना चाहिए ये भी मैं बात लिखूँगा और आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं हमारे देश के लोग दूसरे देश में जाते हैं घूमने के लिए आप नॉर्थ ईस्ट हो केरला हो ये आसाम हो इसमें अगर आप जाएंगे सिक्किम हो तो आप अगर त्रिवेंद्रम जाते हैं घूमने के लिए बैक वाटर में आप अगर घूमते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि हम हिंदुस्तान में हैं कश्मीर में हो इतना इतना बढ़िया बढ़िया ठिकान हमारे देश में है लेकिन हमारे देश के पैसे वाले लोग बाहर देश को ही जाते हैं तो आप हमारे देश की जो विविधता है वो विविधता टूरिज़म के माध्यम से समाज के सामने लाने का आप काम कर रहे हैं और इसके लिए केंद्र सरकार हो या राज्यों की सरकार हो वो जरूर आपको मदद करेगी मैं मेरी तरफ़ से भी उस सरकार को विनती करूँगा आपके बारे में मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको इस टूरिज्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्वॉल्व करें और आप आपके इस टीम को पूरी तरह से काम को लगाए यही मैं शुभकामनाएँ देता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ धन्यवाद Sir, आप क्या के के आज हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज लातूर के एक्स एमपी हमारे साथ में हैं ये बड़ी सौभाग्य की बात है हमारी के, हम इनके साथ में हैं और ये हमारे साथ में है दूसरी बात ये है कि कल्याण जाना जी की तो जितनी भी तारीफ़ करें इंसान उतनी कम है क्योंकि एक एक शेर है अलहमा इकबाल साहब का कि हम तो अकेले ही चले थे जानीब मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवा बनता गया मैं इस इंसान को जब से जानता हूँ जब ये इंसान बिल्कुल अकेला और बड़ी मेहनत करके आज ये आज उस शहर की जो मीनिंग है ना कि हम तो अकेले ही चले थे जानी पे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवा बनता गया तो आज खुदा तला ने इनका कारवा एक बना दिया है और जिस तरह से ये फिल्म इंडस्ट्री को और दादा साहेब फाल के नाम को आज तक जो काम किसी ने नहीं किया पूरे बॉलीवुड में बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं बहुत बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं प्रोड्यूसर हैं अलग अलग तरह के सभी क्षेत्र में कामयाब लोग हैं लेकिन ये मुद्दा आज तक किसी ने नहीं, नहीं उठाया कि दादा साहेब फ़ालके की मूर्ति हम लोग इसका निवारण करें और पूरे वर्ल्ड में इसको प्रचलित करें तो इन्होंने जैसे कि मैं उम्मीद करता हूं जैसे कि फ़िल्म फेयर अवार्ड होता है ओस्कर होता है मामी होता है आइफ़ा होता है है ना जी सने अवार्ड होता है इसी तरीके से एक दिन इन दादा साहेब फ़ालके को ये उस लेवल पर लेके जाएंगे जहां पर से पूरे Uh, पूरे वर्ल्ड की फ़िल्म इंडस्ट्री को uh, ये सम्मान कर पाएंगे जिसमें हॉलीवुड बॉलीवुड चाइनीज़ सभी तरह के एक्टर और सबके घरों में पूरे वर्ल्ड के एक्टरों के घर में ये तस्वीर पहुँचे ये इनकी uh, इनकी दिली तमन्ना है दिली ख्वाहिश है कि वर्ल्ड के हर एक्टर के घर में दादा साहब फालके की uh, ये तस्वीर पहुँचे और उसी के ऊपर ये काम कर रहे हैं तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं इनके लिए Uh, कल्याण जी जाना के लिए जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि दादा साहब फालके ने इंडस्ट्री को किस तरह से सींचा है क्योंकि जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि दादा साहेब फालके हॉलीवुड uh, फिल्म इंडस्ट्री में एक, एक स्पोर्ट बॉय का काम करते थे स्पोर्ट बॉय का, का काम करते 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 उन्होंने फिल्म मेकिंग सीखी फिल्म मेकिंग सीख तो ली लेकिन भारत में जैसे आज ये अकेले लड़ रहे हैं इनका साथ कोई नहीं दे रहा है जैसे आज ये अकेले लड़ रहे हैं धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं इनके साथ इसी तरह से उस समय पे दादा साहेब फालके का कोई साथ नहीं दे रहा था महिलाएं फिल्म में काम करने के लिए तैयार नहीं होती थी और न जाने कितनी दिक्कतें आती थी लोगों को मालूम नहीं था कि फिल्म मेकिंग फिल्म दुनिया होती क्या है तो ये सीख के आ गए थे इन्होंने इन्हें हिम्मत नहीं आ रही और तो और इन्होंने अपनी बीवी के गहने गिरवी रखे अपनी ही बेटी को पहली बार पहली मरतबा कहते हैं जब कोई हीरोइन नहीं बनना चाहती थी कोई लड़की दुनिया की हीरोइन नहीं बनना चाहती थी आज तो बड़े बड़े घरों की लड़कियाँ सब हीरोइन बनना चाहती हैं बड़े बड़े घरों के सब लड़के हीरो बनना चाहते हैं लेकिन उस ज़माने में इन्होंने जिस तरीके से सींचा है बॉलीवुड को आज उसी तरह से ये कल्याण जी जाना उनको सींच रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से सींचते रहेंगे और अपनी हिम्मत नहीं आ रही क्योंकि आ, अगर देखना चाहते हो कल्याण जाना की उड़ान को तो और ऊँचा कर दो आसमान को सदियों तक जो ना बुझ सके ऐसी पहचान देंगे ये पूरे हिंदुस्तान को तो मैं प्राउड फील करता हूँ कि ये हमारे दोस्त रात दिन मेहनत करते हैं और इस तरह से अपने आप को और दादा साहेब फालके को पूरे वर्ल्ड में प्रजेंट करेंगे इन ये हमारा पूरा आत्मविश्वास है इनके ऊपर न जैसे कि वो शेर है गोविंदा साहब ने कहा था ना थका है ना थके हैं अभी ना हिम्मत हारी है तो इन ये ना कभी थकेंगे ना ये कभी हिम्मत हारेंगे इसी तरह से काम करते रहेंगे और पूरे वर्ल्ड में दादा साहब फालके का और अपने नाम का परचम लहराएंगे ये मेरी पूरी उम्मीद है इनसे और बस इसी तरह से मेहनत करते रहें मेरी बहुत बहुत सारी दुआएं बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद बस इसी तरह से काम करते रहो जिंदगी में आगे बढ़ते रहो बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच लव यू कल्याण जी की तरफ से मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं अच्छे हैं और गरीब लोगों की ज़्यादा सहायता करते हैं देखा है इनको काफ़ी टाइम अनाज उनाज चावल गेहूँ सभी देते हैं मैं तो इनको ज़्यादा टाइम से नहीं जानता लेकिन अभी करीब एक डेढ़ महीने से इनके साथ हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ मैं तेलुगू तमिल कन्नड़ा ज़्यादा मूवी करता हूँ कल्याण जी मुझे बोले कि तुम्हें इसमें काम में देता हूँ लेकिन जब से मैं इनके साथ लगा मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे महसूस हो रहा कि हाँ शायद मेरी यहाँ कुछ लाइफ बन जाएगी इनको लिए मैं शुक्रिया थैंक यू इनको दिल से बड़ा भाई मानता हूँ और इनको दिल से सलूट करता हूँ कल्याण जी जनवरी है गणतंत्र दिवस है बाबा साहब अम्बेडकर ने आज के दिन संविधान लिखा था गायकवाड़ साहब आए हुए हैं इनका भी धन्यवाद अदा करते हैं और कल्याण जी जाना बहुत मेहनत कर रहे हैं दादा साहब फाल के वॉच कर रहे हैं काफ़ी उनके बारे में लोगों को बता रहे हैं जो लोग नहीं भी जानते हैं क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री को सब जानते हैं पर फिल्म इंडस्ट्री को बनाने वाला कौन है उनके बारे में कोई नहीं जानता इसलिए उनके नाम को रोशन कर कर रहे हैं इनका धन्यवाद अदा करते हैं हम लोग इंडस्ट्री की तरफ से और इसी तरह ये काम करते रहें गरीबों की सेवा करते रहें और अपना नाम दादा साहब फालके जी का नाम रोशन करते रहें यही हमारी शुभकामनाएँ हैं धन्यवाद पहले तो सभी लोगों को आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे बीच में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं एक्स मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी मुंबई नगरी में फ़िल्म नगरी में और यही कि उनसे कहना चाहता हूं कि आप वहां पर हैं आप उन लोगों से मिले हैं जो आज पूरा पावर रखते हैं इंडस्ट्री के लिए सोचने के लिए कुछ भी करने के लिए तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से कल्याण जी जाना ने एक रोड मैप बनाया है उस रोड मैप के लिए उन्हें जो ज़रूरत है वो सपोर्ट की ज़रूरत है उस सपोर्ट को अगर आप थोड़ा सा भी हमें सपोर्ट करेंगे कल्याण जी जाना को सपोर्ट करेंगे तो हम लोग उस रोड मैप को आपको दिखाएंगे करके और आप हम पर गर्व करेंगे तो बस यही मेरी और कल्याण कल्याण जी जाना का जो नेक्स्ट अवार्ड होने वाला है बीस फरवरी को दिल्ली में उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ उनका जो भी उन्होंने बाबा साहब फालके अवार्ड के द्वारा बाबा साहब का नाम रोशन कर रहे हैं पूरी दुनिया में थैंक यू वेरी मच सबसे पहले मैं आपको <coughs> थैंक यू सो मच फैज भाई आप आए और थैंक यू सो मच बॉलीवुड अड्डा धन्यवाद हर वक्त आते हैं मेरे प्रोग्राम में आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ आज 26 है मैं भूल गया था लेकिन आज के दिन देश में हर जगह पे एक ऐसा एक ऐसा त्यौहार बन रहा जहाँ पर हिंदुस्तान के हर नागरिक एक चालीस करोड़ जनता गर्व महसूस कर रहे हैं जिस तरीके से दिल्ली में जनपद में जिस तरीके से हमारे जवान सिपाही आर्मी जिस तरीके से वो आज वहाँ पर अपने काम को दिखाया उस तरीके से वो देख के चीन और पाकिस्तान ये दोनों देश मुझे लगता है डर गया है अभी तो सभी देशवासियों को 26 तारीख के हार्दिक हार्दिक शुभे अभिनंदन छब्बीस जनवरी की सभी को मैं नमन करता हूँ सभी आर्मी को मैं नमन करता हूँ सभी आर्मी के परिवार को मैं नमन करता हूँ सभी आर्मी सहित परिवार को मैं नमन करता हूँ और तमाम जितने भी योद्धा हैं हमारे देश के लिए जो लड़ाई करते हैं उन सभी को मैं नमन करता हूँ मैं नमन करता हूँ मेरे गुरुजी डॉक्टर सुनील गायकवाड़ साहब को जो यहाँ पर आए हैं और इनके आशीर्वाद मेरा दिल्ली में मुझे पता है वो रहेगा मेरे साथ और ज़िंदगी भर रहेगा क्योंकि ये एम नहीं है नेता नहीं है सबसे पहले ये अच्छे इंसान है और जब अच्छे इंसान कोई पहला बनता है ना तो वो हर इंसान के लिए अच्छे सोचते हैं तो ये नेता तो बाद में है लेकिन सबसे पहले एक अच्छे इंसान है एक अच्छे बड़े भाई है एक अच्छे मित्र है एक अच्छे गुरु है और एक अच्छे साथ देने वाले रक्षक है तो मैं आपको कह दूं अगले महीना बीस तारीख को जो मेरा शो होने जा रहा है ये हॉलीडेन इन होटल है अंदरी ईस्ट में और ये बीस तारीख को जो शो हो रहा है ये हमारा देश का ये देश का ऐसा वीर योद्धा है हमारी कोलकाता का टाइगर है हमारे देश का फ्रीडम फाइटर है नाम है सुभाष चंद्र बोस दोस्त जिनके बारे में हमने स्कूल में पड़े हैं। मुझे मालूम नहीं था मैं बड़ा होकर मैं उस फ्रीडम फाइटर के नाम के मैं अवॉर्ड शो में शुरू करेंगे। ये महादेव ने इस महादेव का देन है जो इतने बड़ा फ्रीडम फाइटर इतने बड़ा देश का फ्रीडम फाइटर लेकिन उसको पहला प्रधानमंत्री बनना था लेकिन कुछ कारण से नहीं बन पाया लेकिन मैं चाहता था वो हमारे देश के लिए वो पहला प्रधानमंत्री है आज मैं अगर कुछ बन जाता हूँ या गुरु जी के आशीर्वाद से मैं एम बन जाता हूँ तो नरेंद्र मोदी साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के गौरव देश के शान देश के आन बान ऐसा एक नेता एक ऐसा एक योद्धा जिसका नाम है नरेंद्र मोदी साहब मैं उनको बोलेंगे जो जिस तरीके से फ्रीडम फाइटर तो बहुत लोग थे बहुत लोग हैं मैं चाहता हूँ हर पचास सा साल में हर एक फ्रीडम फाइटर का फोटो नोट पे डाला जाए हर एक फ्रीडम फाइटर 50 ईयर्स के बाद या 25 के बाद ये मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी साहब को मैं लेटर मैं लिखने वाला हूँ जो हर 25 साल के बाद जैसे हमारे महाराष्ट्र के फ्रीडम फाइटर हम सबके राजा मानन श्री छत्रपति महाराज खुदिराम बोस हमारे कोलकाता के फ्रीडम फाइटर नेता सुभाष चंद्र बोस ऐसे तमाम वीर योद्धा वीर सिपाही तो उनके फोटो जो है हर पच्चीस साल के बाद या पचास साल के बाद ये नोट पे होना चाहिए अगर अभी अगर नोट पे किसी का फोटो होना चाहिए तो मैं एक ही नाम सामने में ले मैं लेके आएंगे जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और इसके बाद मैं बंगाली आदमी हूँ बंगाल से हूँ मैं उनको टाइगर मानता हूँ मैं रियल टाइगर मानता हूँ मैं उसको अगर दादा साहेब फालके का स्टैचू के बाद अगर किसी का स्टैचू मुझे बम्बई में लगाना है तो मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू लगाएंगे ये मेरा नेक्स्ट काम है नेक्स्ट लेवल का काम है मेरा दादा साहेब फालके का पंद्रह फुट का स्टैचू होने के बाद मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मैं स्टैचू लगाएंगे इस मुंबई शहर में और उसी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से मेरा एक बहुत ही खूबसूरत पेस्टिजियस अवार्ड शो हो रहा है जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस नोबेल पीस अवॉर्ड 2022 20 फरवरी को बॉम्बे के सबसे खूबसूरत होटल हॉलीडेन इन में होने जा रहा है आप सभी का स्वागत है गुरु जी वहाँ पर आ रहा है गुरु जी को दिया जा रहा है इतनी खूबसूरत अवार्ड क्योंकि गुरु जी नेताजी की तरह काम करते हैं लातूर में देश के लिए सबसे बड़ी बात है गुरुजी का गुरुजी सभी को मिलाते हैं कम नेता होगा जो इंसान को दूसरे इंसान को मिलाना यहाँ मिलाता नहीं यहाँ काटता सीधा कांची से जैसा फिल्म में कांची चलता है ना ऐसे सब जगह पे कांची चलता है तो ये कांची नहीं चलाता है ये काम करते मिलाने का अगर फिल्म हमने किसी स्टार का अगर बोलेंगे ना इसका नंबर दो दे रहा हूँ ना पांच मिनट के बाद वो पांच मिनट वो वो कभी नहीं आया कमाल खान ने दिया है मुझे बॉलीवुड अड्डा के दलविंदर ने मुझे दिया है इसी तरह मेरे गुरु जी को पास आप बोलेंगे सर मुझे इसका नंबर दो ना लेना बेटा ऐसे कम नेता होता है तो मैं नमन करता हूं इनको इसके बाद मेरा सबसे बड़ा अवॉर्ड शो होने जा रहा है दादा साहेब फालके का छोटा भाई डीपीआईएफ आइकॉनिक अवार्ड दिल्ली में होने जा रहा है गुरुजी ने बोला कल्याण जी तुम एक दिल्ली में करो एक बार आप मेरा जब पिछले दिल्ली में जब गुरु के साथ में जब एक घंटा मेरा बातें हुआ तो कल गुरु ने बोला तुम दिल्ली में एक बार शो करके देखो अच्छा रहेगा तो मैंने उसी दिन मैं गुरुजी को बोल दिया गुरुजी होटल का नाम रहेगा ओशोगा तो उसी दिन से मैंने उस प्रोजेक्ट को आगे लेके जा रहा हूँ अभी 30 तारीख को मैं ऐसे जा रहा हूँ मैं दिल्ली में जा रहा हूँ अभी मैं चीफ गेस्ट बनके 30 तारीख को 29 तारीख को 31 तारीख को तीन दिन मैं चीफ गेस्ट हूँ मैं दिल्ली में मैं उसी वक्त मैं होटल को बुक कर रहा हूँ ट्वेंटी ऑफ मार्च को मेरा सबसे प्यारा

द अमेरिका यूनिवर्सिटी यूएसए हॉनरेबल डॉक्टर डिग्री इसके बाद हम टूरिज्म को कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्वेंटी नाइन स्टेट और टेरिटरी जो हमारा है इन सभी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हमारा टेरिटरी को हमारा ट्वेंटी नाइन स्टेट को जिस तरीके से गुरुजी ने बोला जो हमारे देश में इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगह है उसको छोड़ के हम बाहर गांव जाते हैं हम शूटिंग करने के लिए घूमने के लिए अगर वही पैसा अगर हमारे देश में अगर खर्चा करें तो देश लोग के लोगों के जेब में जाएगा अपना इतनी खूबसूरत टूरिज्म है अगर हम सब मिलकर टूरिज़्म को नहीं बढ़ावा बढ़ावा देंगे हमारी जो कल्चर है उसको नहीं बढ़ावा देंगे आज जो भी हम वो कपड़ा पहनते हैं वेस्टर्न कपड़ा हम लोग पहनते हैं देश का कपड़ा हमें अभी पहनना पड़ेगा मैं चाहता हूँ देश के कल्चर को हमें ज़िंदा रखना पड़ेगा ट्वेंटी स्टेट है हमारी एक भी मैंने खुद नहीं घूम पाया मैं खुद नहीं घूम पाया तो ट्वेंटी नाइन स्टेट को हमें आगे लेके आना है उसके टूरिज्म को आगे लेके आना है उसकी जो कल्चर है हमें उसको आगे लेके आना है हमें इसलिए आगे लेके आना है क्योंकि जिस तरीके से हमारी कल्चर खत्म होते जा रहा है जिस तरीके से हमारे कल्चर आजकल वो दिशा में जा रहा है वेब सीरीज की दिशा में जिस तरह के कल्चर की हमारे खत की पिता माता गुरु इसके बाद जो नारी है नारी मेरी माँ है मेरी बेटी है नारी आन बान शान है एक लक्ष्मी है जिस तरीके से नारी को दिखाया जा रहा है फिल्म इंडस्ट्री में हमारी वेब सीरीज के माध्यम से तो कल्चर खत्म होते जा रहा है उस कल्चर को मुझे बचाना है और इसके बाद ट्वेंटी फोर्थ ऑफ मे रईस भाई मेरे साथ चल रहा है कमाल खान मेरे साथ चला रहा गुरु जी मेरे साथ चल रहा है दुबई एक दुबई में एक जगह है जिसका नाम है बॉलीवुड पार्क जहाँ पर बॉलीवुड पार्क का नाम है जाएगा बहुत खूबसूरत जगह है मुंबई की पूरी बॉलीवुड आपको वहाँ पर देखने मिलेगा उस बॉलीवुड पार्क में ट्वेंटी फोर्थ ऑफ मे को दुबई की धरती में एक खूबसूरत कार्यक्रम होना चाहिए जिसका नाम है दादा साहेब आइकॉन फिल्म इंटरनेशनल पहली बार दादा साहेब फाल जिस तरीके से कमाल खान ने बात किया है जो दादा साहेब फालके का फोटो हर हिंदुस्तान के हर एक्टर के घर में होना चाहिए यस कमाल खान ने सही बोला हिंदुस्तान के नहीं कमाल खान ने बोला पूरी वर्ल्ड का होना चाहिए तो पूरी वर्ल्ड में हम दादा साहेब फालके का फोटो उनकी मूर्ति जाएगा पहली बार दादा साहेब फाल्के का अवार्ड देश से बाहर होने जा रहा है दुबई में बॉलीवुड एंड हॉलीवुड दोनों को एक स्टेज में हम उनको सम्मानित कर रहे हैं ये अवॉर्ड शो हो रहा है दुबई के धरती में बॉलीवुड पार्क में इसके अलावा दुबई के टूरिज्म मतलब यूए का टूरिज्म और हिंदुस्तान का टूरिज्म ये दोनों टूरिज्म को हम एक साथ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुबई में यूए का रा, राजधानी है दुबई तो दुबई यू और हिंदुस्तान के टूरिज्म ये सब टूरिज्म को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसके अलावा वहाँ पे डॉक्टर डिग्री है द अमेरिका यूनिवर्सिटी यू एस तीन दिन का हमारा वहाँ पर फेस्टिवल है तीन दिन का फेस्टिवल है इस वन हम टूरिज्म को रिप्रेजेंट करेंगे सेकेंड डे हम डॉक्टर डिग्री थर्ड डे इस साल का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहेब फालके आईकन ऑफ फिल्म इंटरनेशनल नॉट फॉर नेशनल इंटरनेशनल ये हो रहा है ट्वेंटी ऑफ मे दुबई में ये सब कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं इनमें सभी में आप सभी का आशीर्वाद चाहिए आप सभी का साथ चाहिए आप सभी का सहयोग चाहिए आप जुड़े हमारे साथ दादा साहेब फालके आईकन ऑफ फिल्म हमारे जो एनजी है जो ऑर्गेनाइज और, और, है इसमें आप लोग जुड़े मैं इंडस्ट्री के लिए मैं एम्बुलेंस में लेके आ रहा हूँ इंडस्ट्री के लिए मैं एक डीपीआईएफ हैप्पी एंडिंग होम लेके आ रहा हूं मैं जो इस साल के एंडिंग में हम उसको तैयार कर रहे हैं हैप्पी एंडिंग होम का मतलब होता है जो पता जो 75 फाइव एज के हो चुका है जिसको एक्टिंग कर रहे हैं लेकिन उसको वो मुकाम नहीं मिला और शादी किया ही नहीं उसने एज हो गया वो लोग और ऐसे बड़े बड़े कलाकार हैं जो अपनी परिवार से धक्का खा रहे हैं उसकी बेटा उसकी बेटी से रोज ताना ता, ताना खाते हैं तो ऐसे जो बड़े कलाकार हैं जिन्होंने आपको आपने देखा उस कलाकार का एक्टिंग देख के आपने इस मुंबई शहर में आए ऐसे कलाकार जो घर में रो रोता है वो जस्ट कोई मिल जाए उसके पास चला जाओ तो ऐसे कलाकार जो घर से तकलीफ पर जी रहा है और जो कलाकार शादी नहीं किया पचहत्तर साल का एज एज हो, हो चुका है ऐसे कलाकार को ऐसे लोगों को इंडस्ट्री के लोगों को मैं मेरे डी पी आई की टीम हैप्पी एंडिंग होम में हम लोग उसका स्वागत करेंगे उसकी जो एंडिंग है लाइफ का वो हैप्पी एंडिंग से जाए और उसके लिए सुबह शाम खाना पीना वहां पे डांस वहां पे एक्टिंग आपको जो करना है करो ये मैं कर रहा हूं जिसका नाम रहेगा डीपीआईएफ है। हैप्पी एंडिंग होम इंडस्ट्री के लिए मैं करने जा रहा हूं वो तमाम कलाकार जो कलाकार घर में दुखी में जिंदगी जी रहा अभी आपको दुखी नहीं है आपके सुखी की जिंदगी आ गया आप अगर आप सही में घर में तना है तनाव है तो प्लीज़ मेरे पास आओ बस दुआ करो इस साल के एंडिंग में वो चीज़ अंधेरी आदर्श नगर में मैं उसका कर रहा हूँ जिसमें कम से कम ऊपर नी ऊपर नीचे मतलब दो गला रहेगा दो माले का रहेगा नीचे बॉयज़ का रहेगा ऊपर गर्ल्स का रहेंगे मतलब ऊपर से लोग रहेंगे महिला रहेंगे और नीचे पुरुष रहेंगे और वहाँ पर वो डांस करेगा वहाँ पर वो गाना गाएंगे जिसकी मन का इच्छा है वो करेंगे और वहाँ पे सुबह शाम खाना पीना मस्त जो चाहिए उसको दवाई से लेके खाना से लेके सब हम उसको प्रोवाइड करेंगे ये मेरा मेरा मेन मेरा उद्देश्य है और ये सब करने के बाद अगर मुझे भगवान बोलता है, तू आ जा तो मैं आ सकता हूँ अगर ये सब काम नहीं किया उसके बाद अगर भगवान बोले तू आ जा तो मैं नहीं आ सकता हूँ क्योंकि क्या है मुझे कुछ करके ज़िंदगी से जाना है मेरी माँ को बोला है लास्ट में बोल देता हूँ मेरी माँ को मैंने बोला है जो मरने के बाद मेरी मैयत पे जितना आदमी आएगा मैंने उतनी आदमी कमाया मेरे मरने के पहले तिरंगा अगर मेरी बॉडी पे लिपटता हुआ और ठाई ठाई करके बंदूक की गोली से अगर मेरी विदाई होगा तो मैं इस दुनिया में कुछ किया है बाकी मैंने कुछ नहीं किया तो बस तिरंगा से लपटता हुआ मैं जाना चाहता हूँ मेरी मैत पे ज्यादा से ज़्यादा लोग आके वहाँ पे खड़ा हो बस वो मुझे करना है बाकी तो ये दुनिया में जो भी मैंने कमाया पूंजी गाड़ी घोड़ा सब कुछ वो यहाँ रहेगा बस मैं तिरंगा का मैं लेके जाएगा साथ में और ये देश का प्यार को मैं लेके जाएगा थैंक यू सो मच आप सभी को मेरा नमस्कार थैंक यू मेरे गुरु जी थैंक यू सो मच मेरी पिता माता गुरु थैंक यू सो माई लवली वाइफ अंकिता जाना माई लवली डॉटर अविका जाना माई लवली ब्रदर निर्मल जाना वैरू जैन कमाल खान एंड थैंक यू सो मच ऑल आशीर्वाद दीजिए एंड बस इतना खाली बोलना चाहता हूँ इस गरीब को साथ, साथ दीजिए साथ मत छोड़िए मेरा प्लीज़ थैंक यू जय हिंद बंदे मातरम हर हर महादेव बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जो बोले सोनिहाल सत श्रीकाल जय भीम